मैं निवादरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, शाला दर्पण पोर्टल पे जैसे कि आपको पता है रिजल्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स मैंने कल वीडियो में बताई थी। रिजल्ट वेरीफाई, अनवेरीफाई और SA3 के जो मार्क्स है वो अपडेट हो चुके हैं। कल शाम तक जो मार्क्स थे वो कुछ कम आ रहे थे, 15 मार्क्स में से आ रहे थे, लेकिन अब आप चेक करेंगे तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि मार्क्स सही हो गए हैं और एक बार आप अच्छी तरह से चेक करके रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी जो क्लास वाइज रिजल्ट की थी कि क्लास वाइज आप कैसे रिजल्ट निकालेंगे या पूरा समरी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से एक नया जो टैब शुरू हुआ है, जैसे परिणाम, परिणाम में आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टि, अब यहाँ जनरेट एंड प्रिंट मार्क लिस्ट, ये तो आपको पता ही था। इसके अलावा अनवेरीफाई रिजल्ट का ऑप्शन ये था जिसमें कोई भी रिजल्ट वेरीफाई करने के बाद आप उसको अनवेरीफाई भी कर सकते हैं अगर कुछ उसमें गलती वगैरह है तो। अब जो नया एक ऑप्शन शुरू हुआ है जो सुबह तक नहीं था, अभी शुरू हुआ है, ये है क्लास वाइज रिजल्ट 2023-24। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको क्लास वाइज रिजल्ट है वो शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से 11वीं क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से सेक्शन कर रहा हूँ, मैंने सेक्शन ए कर दिया और यहाँ से जैसे स्ट्रीम है आर्ट्स साइंस कॉमर्स है और यहाँ से आपको शो पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही शो पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ इस तरीके से रोल नंबर शो हो जाएंगे, SR नंबर, स्टूडेंट का यहाँ से नाम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, SR नंबर, रोल नंबर और ये परसेंटेज और ग्रेड, फर्स्ट सेकंड जो भी है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड डिवीजन जो भी डिवीजन है, ये जैसे पास विथ ग्रेस है, ये पास है और इसके अलावा यहाँ से परसेंटेज शो हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल रिजल्ट अगर आपके नोटिस बोर्ड वगैरह पर लगाना है तो कितने परसेंटेज बने, कौन सा डिवीजन रहा, पास या फेल, इस तरह का समेकित रिजल्ट है, आप यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ प्रिंट का भी ऑप्शन है, यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से ये इस तरीके से आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और PDF ग्रुप में इसको सेव भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ से ये प्रिंट हो गया, यहाँ इसको स्क्रीन पर आ गया और यहाँ से इसको आप लोडिंग प्रीव्यू आ रहा है और इसके बाद इसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन शुरू हो चुका है यानी शाला दर्पण पर कि आप किसी भी कक्षा का जो भी रिजल्ट है वो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। अगला एक और ऑप्शन जो था कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से जैसे रिजल्ट वेरीफाई और अनवेरीफाई का जो ऑप्शन था, यहाँ से जैसे दूसरी क्लास का भी अगर आप चेक करना चाहते हैं, मैं आपको दूसरी क्लास का भी बता देता हूँ। यहाँ से जैसे पहले तो इसको जो भी रिजल्ट है इसको आप एक बार सेव कर लेंगे, ये भी ये सेव का ऑप्शन मांग रहा है, हालांकि स्क्रीन पर ये शो नहीं हो रहा है लेकिन ये रिजल्ट एक बार सेव हो जाए उसके बाद में मैं आपको दोबारा आगे का प्रोसेस बताता हूँ। और यहाँ से रिजल्ट ये सेव हो गया उसके बाद में आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको 11वीं क्लास का बताया, उसके अलावा जैसे अन्य क्लास का है तो यहाँ से जैसे 9th क्लास का मैं आपको एक बता रहा हूँ कि शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है और ये कब शो होगा। यहाँ से जैसे आप शो पे क्लिक करेंगे तो ये नो रिजल्ट आ रहा है। ये नो रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तक 9th क्लास के जो भी रिजल्ट है वो वेरीफाई नहीं किए हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो फंक्शन अगर आपके इस तरीके से अगर आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो पहला काम तो आपको यहाँ से करना है कि जैसे यहाँ से परिणाम में जाकर के आपको यहाँ मैं बता भी देता हूँ, यहाँ से जैसे ग्रीन प्रिंट मार्क लिस्ट और ग्रीन सीट है, यहाँ से जैसे 9th क्लास है तो 9th क्लास में अभी जैसे ये इनको स्टूडेंट को देखेंगे तो यहाँ वेरीफाई नहीं किया हुआ है। ये जब तक आप रिजल्ट वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक ना तो आपके इसमें ग्रेडिंग आएगी, यानी जो भी प्लेस इन स्थान कक्षा में कौन सा स्थान है ना, तो वो आपके मार्क लिस्ट में शो होगा और न ही इसमें ये रिजल्ट जो क्लास वाइज रिजल्ट है वो शो होगा। ये तभी शो होगा जब आप पूरा रिजल्ट यानी प्रत्येक बच्चे का जो रिजल्ट है उसका आपको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद उससे पहले अच्छी तरह चेक कर लें, कुछ गलती है तो आप उसको अनवेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वो पूरा करने के बाद ही आप जो क्लास वाइज समेटिव जो है यानी कि समेकित रिजल्ट है जिसको यहाँ से क्लास वाइज रिजल्ट है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा मैंने ग्रीन शीट और प्रिंट मार्क लिस्ट के ऑप्शन और वेरीफाई अनवेरीफाई को बहुत डिटेल से लाइव करके बताया, वो वीडियो जरूर देखें। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।